जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने नारायणगाव येथील रोटरी क्लब, हायवे व श्री लोकसेवा प्रतिष्ठान यांच्या वतीने विविध क्षेत्रातील 8 महिलांना विशेष सन्मान देऊन सन्मानित करण्यात आले. पाहणार आहोत याच कार्यक्रमाची काही दृश्य. जोरदार टाळ्या. जोरदार टाळ्या. अभिनंदन. मी तुमचंच बघा. हो ना. नक्की. हो. आणि पुढे आहे मळ्या. पुढे आहे मळ्या. जो चुकीचा खेळेल त्याला खाली अति खेळ पडेल. आता परत सांगायचं. रेडी टाळ्या. रेडी नक्की मळ्या. सायकल चालवून येऊन जायचं ना. हा नाही आहे कार्यक्रम वगैरे सगळे खरेदी देत असताना म्हणून थोडा तुमचा उशीर आहे. माझ्या बरोबर ना. आणि नीट खेळा ना. पण नीट खेळा. मिले अवघड नक्की. धन्यवाद द्यावे लागतील. खूप चांगल्या पद्धतीने
विश्लेषण केलं महत्त्वही कळालं. इथून मग जे कार्यक्रम केले त्यामध्ये सन्मानार्थी महिलांना आम्ही फक्त ट्रॉफी दिली, त्यांना नमस्कार केला, त्यांचं अभिनंदन केलं, परंतु ते का दिलं गेलं, का केलं गेलं हे छान विस्तृतपणे सांगितलं. त्याबद्दल गायकवाड सरांना धन्यवाद. ते ऐतिहासिक कार्यामध्ये ते अग्रेसर आहेत आणि ते छान प्रकारे इतिहासाचं वृक्ष गड संवर्धन करत असतात आणि त्याची माहितीही देत असतात. आणि आज ज्या महिलेने आपल्याला तिच्या वाणीतून आपल्याला दोन शब्द सांगितले ते खरं म्हणजे सगळ्या इतिहासच उलगडून सांगितला. आणि सर्वांना सर्व माहीत आहे परंतु ते कशा पद्धतीने मांडायचं, कशा पद्धतीने सांगायचं याचं खरं खूपच कौतुक करण्यासारखं आहे. आणि तिचंही मी अभिनंदन करते. सर्व रोटरी क्लब ही सेवाभावी संस्था आहे आणि त्याला जो ओळखी लोक प्रतिष्ठाची मिळालेली आहे त्या संयुक्त विद्यमानाने तुम्ही जे जे कामं करतायत, आत्ताच्या अध्यक्षांनी जे जे कामं केली आहे, इथून मागच्या अध्यक्षांनी जे जे कामं केली आहे ती त्यांना करावीच लागतात. त्यापासून त्यांना अजून काही काही प्रोत्साहन मिळत असतं. ते छान प्रकारे करतायत आणि हा प्रोग्राम त्यांनी वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने साकार केला त्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद देते. आणि माझे दोन शब्द संपले. प्रोग्राम नारायणगाव रोटरी क्लब लोकसेवा प्रतिष्ठान नारायणगाव जागतिक महिला दिन 8 मार्च बहुत सुंदर यह कार्यक्रम है कि जिसमें महिलाओं का सम्मान करने वाले हमारे सभी भाई उनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को आगे करने में जैसे कहा कि कहा भी पुरुष जब आगे जाते हैं तो उनके पीछे महिलाएं होती हैं, परंतु आज मैं इन सभी महिलाओं से यही कहूंगी कि आप सबको आगे करने में आपके पीछे हमारे सभी भाई हैं. क्योंकि कहा जाता है कि गाड़ी जब चलती है तो दोनों पहिए साथ में होने चाहिए, एक आगे एक पीछे होगा तो चल नहीं सकती. क्योंकि जितना महिलाएं अपने संसार में बच्चों को संभालना, सबकी देखभाल करना, ये सब करते हुए करती हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है. क्योंकि महिला को सबको देखना पड़ता है, खुद को भी देखना है, परिवार को भी देखना है. और आज के युग के हिसाब से देखेंगे तो हर एक की मानसिकता को भी संभालना है. क्योंकि पहले ये मानसिकता कमज़ोर नहीं होती, परंतु सिर्फ महिलाएं कमज़ोर नहीं बनी होंगी, परंतु आजकल परिवार में रहने वाले हर व्यक्ति का मनोबल संभालते हुए उसको आगे बढ़ना होता है और उसको आगे करने वाले हमारे भाई होते हैं. क्योंकि मैंने देखा कि कई बार ऐसे होता है कि महिला को जब है जॉब पर जाना है या उसकी कुछ हॉबी है, जैसे किसी को डांस करने में हॉबी होती है आज के युग में, किसी को जॉब में जाना है या किसी को कुछ जैसे अभी जिसको पुरस्कार मिला है, कोई खेती में आगे है, कोई इसमें, तो हर कार्य करते हुए अपने पति का भी साथ मिलना बहुत ज़रूरी होता है. हम कितना भी आगे बढ़ने की आप कोशिश करेंगे परंतु घर के बाहर पाँव रखने के लिए जब तक इस मिनिस्टर की परमिशन नहीं मिलती है तब तक आप भी बाहर नहीं जा सकते. ऐसा ही है ना, आप सभी मानते हैं इस बात को? क्योंकि हम ऐसी संस्था में काम करते हैं, आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है वो विशेष महिलाओं की संस्था है. माना पुरुष भी इसमें है परंतु महिलाएं सारा कारोबार संभालती है. परंतु साथ में भाइयों की आवश्यकता होती है कि जब वो हमें साथ देते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं. तो इसीलिए मैं दोनों को भी आज के दिन कहूँगी कि दोनों के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए कि भाई एक दूसरे के साथ से ही हम आगे बढ़ते रहते हैं. और वैसे आज के इस मंच पर हमारी संगीता दीदी जी को आप सभी ने निमंत्रित किया था. मैं तो नांदेड़ में रहती हूँ, आज अचानक ही प्रोग्राम में आए थे तो दीदी ने बोला कि चलो हम जाएंगे इस प्रोग्राम में, बहुत सुंदर प्रोग्राम है महिलाओं का. हमने कहा देखेंगे कि नारायणगांव वाले भी किस प्रकार से प्रोग्राम करते हैं.
तो आपका बहुत सुंदर प्रोग्राम है कि दोनों ने, दोनों क्लब संस्थाओं ने मिलकर ये प्रोग्राम किया है। यहाँ की एक एक नारी, एक झांसी की रानी भी कहो, लक्ष्मी कहो, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो, वो भी कम ही पड़ेगा। ऐसे यहाँ की नारियाँ हैं कि जिस नारी के लिए कहा गया है कि संस्कृति की खान है आप, संस्कृति की खान है आप, संस्कारों की वाहक है आप, मूल्यों की समराग्नि है आप, ममता की अग्रेसर है आप, ममता की अग्रेसर है आप। नर हो या नारी हो, दोनों का मूलभूत स्वरूप होती है नारी। ऐसे इस नारी को आज के दिन सलाम है, सलाम है। आज के दिन पर आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप सभी आगे बढ़ते रहे, एक दूसरों को साथ देते हुए आप सदैव आगे बढ़ते रहे, यही मैं आप सभी को आज के दिन शुभकामनाएं दूंगी। ओम शांति। धन्यवाद।